ओके न्यू आज का न्यू लेक्चर है हमारा। आज का लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि पैकेजेस एग्जैक्टली क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, सिम्युलेटर यूज़ करते हो, वो कौन सा सिम्युलेटर्स है। तो सबसे पहले मैं बता चाहूँगा कि मैं जो सिम्युलेटर्स यूज़ करता हूँ वो है पैकेट ट्रेसर। उसके बाद अगर मैं एडवांस लेवल पे यूज़ करता हूँ वो है GNN, और उसके भी ऊपर में कुछ मैं यूज़ करता हूँ तो वो है UNL। ओके, तो खैर GNS एंड UNL की बात हम लोग बाद में करते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग बात करने वाले इस सेशन के अंदर रिगार्डिंग द पैकेट ट्रेसर। सो सबसे पहले पैकेट ट्रेसर क्या है। अगर हमें पैकेट ट्रेसर क्या है यही नहीं पता तो हम लोग वो टूल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सिस्को के बहुत सारे कोर्सेज है, CCNA, CCNP, CCI लेवल के कोर्सेज है। सो बेसिकली अगर आप CCNA लेवल पे कुछ कोर्स कर रहे हो, कुछ कंटेंट्स पढ़ रहे हो, या तो फिर कुछ प्रैक्टिकल के तौर पे सिमुलेटर यूज़ करते हो, सो पैकेट ट्रेसर इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड टूल। जैसे कि मैं इसके पहले मैं ओल्ड वाला पैकेट ट्रेसर यूज़ करता था, सो ये कम्प्लीटली न्यू पैकेट ट्रेसर है। इसका जो वर्ज़न है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका वर्ज़न है 7.2.0। इट्स वेरी गुड पैकेट ट्रेसर। इसका लुक्स भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं प्रीवियस पैकेट ट्रेसर के बारे में बात करता हूँ तो उसका लुक्स इतना अच्छा नहीं था एज़ कम्पेयर टू दिस पैकेट ट्रेसर। ओके, हालांकि फीचर्स ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करूँगा, सो डेफिनेटली मुझे इसके अंदर के नए नए फीचर्स पता चलेंगे। ओके, सो बेसिकली जो भी स्टूडेंट CCNA का कोई कोर्स कर रहा है, सो डेफिनेटली आप पैकेट ट्रेसर यूज़ कर सकते हैं। आपके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं कि पैकेट ट्रेसर एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ओके, से यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे के साइड में कुछ डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, वो किस तरीके से ओपन ओपन होते हैं, किस तरीके से हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, किस तरीके से केबलिंग करना पड़ता है, ये सभी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पैकेट ट्रेसर के अंदर बताने वाला हूँ। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक फीचर जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट करते हैं इस सेशन के अंदर। सो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मुझे नया वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, नया वाला प्रैक्टिकल करना है, तो मैं न्यू करके यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास प्रीवियस कॉन्फ्रेशन वाला एक प्रोजेक्ट है, अगर मुझे वो सेव करना है तो मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से सेव नहीं करना है तो यहाँ पे एक अलग ऑप्शन है, आप देख सकते हो सेव सेव एस, तो मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ। सेव एस PKZ फाइल, तो इस फाइल में भी मैं सेव कर सकता हूँ। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज़ अबाउट द कॉपी पेस्ट। अगर मैं कुछ कमांड लाइन कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ तो इस तरीके से भी हो सकता है, या तो फिर उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। थर्ड थिंग इज़ द प्रिफ्रेंस। ये काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। लाइक समटाइम्स मैं कभी प्रोजेक्टर का यूज़ करता हूँ तो उस टाइम मुझे फॉन्ट्स काफ़ी छोटे आते हैं, तो मैं इस तरीके से जो CLI मोड होता है, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं उसको, जो CLI मोड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब प्रोजेक्टर के ऊपर काम करता हूँ तो मैं CLI का फॉन्ट रख देता हूँ 14, तो काफ़ी आसानी हो जाता है जो कि व्यूअर्स रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको दिखने में भी और मुझे भी प्रैक्टिकल करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। थर्ड थिंग इज़ अ जूम। व्यू में जाके मैं जूम इन जूम आउट, ये टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग प्लेट पैलेट, ओके, कस्टम डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, एक्सटेंशंस भी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से यूज़ करना, तो यहाँ पे एक ट्यूटोरियल्स करके दिया है, तो आप इसके ऊपर पर्टिकुलर टैब के ऊपर जाके भी आप ट्यूटोरियल्स देख के सीख सकते हो। थर्ड थिंग, अगर सबसे पहले अगर आप मैं लेफ्ट हैंड साइड नीचे में जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चलता है नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 4321 1941 2901 2911, काफ़ी सारे राउटर्स यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास राउटर इतने ही है। अगर मुझे इसके बाद में कुछ नए राउटर का इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक ये फीचर पैकेज जैसे में पहले से नहीं दिया है। ओके, सो
सो पैकेट सिस्टम में जितने भी ये राउटर्स हैं सफिशियंट फॉर द सीसीएनए लेवल प्रैक्टिस। कुछ लोग सीसीएनपी लेवल में भी प्रैक्टिस करते हैं, सो डेफिनेटली कुछ कुछ प्रैक्टिकल सीसीएनपी के भी पैकेट सिस्टम पे हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद है एंड डिवाइसेस। सो एंड डिवाइसेस में पीसी, लैपटॉप, सर्वर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आईपी फोन, वॉइप फोन, ये काफ़ी सारे एंड डिवाइसेस हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एंड डिवाइसेस के अगर नीचे में देखता हूँ तो यहाँ पे एंड डिवाइसेस में पीसी वगैरह दिख रहा है आपको आइकॉन, उसके बाजू में एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा है होम। जैसे उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे होम अप्लाइंसेस जो कि एंड डिवाइसेस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल्स, ये मुझे नया लगा क्योंकि मैंने इसके वाले प्रीवियस पैकेज जैसे में ये फीचर नहीं देखा था। सो डेफिनेटली मैं इसका भी यूज़ करने वाला हूँ, मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जो मुझे भी नहीं पता है, सो डेफिनेटली मैं चेक करूँगा। थर्ड थिंग इज़ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी करके एक है। अगर आप स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं तो आप आजकल बहुत सारे मार्केट में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी सिटी स्मार्ट बन रही है अभी, तो स्मार्ट सिटी में आप डेफिनेटली यूज़ देख सकते हो कि किस तरीके से एंड डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। तो एक बेसिकली यहाँ पे कुछ डिवाइसेस दिए तो हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे स्ट्रीट लैम्प करके दिया हुआ है, सो उसको लाइक स्मार्ट लाइटनिंग भी बोलते हैं कोई लोग। सो हमें ये समझना चाहिए स्ट्रीट लैम्प वगैरह क्या है, किस तरीके से वर्कआउट करता है। उसके बाद अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इंडस्ट्रियल, सो इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स दिए जो कि हम लोग चेक कर सकते हैं, और लास्ट में दिया है पावर ग्रिड, ठीक है। तो इसमें भी ये मोस्टली जितने भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एंड डिवाइसेस, होम एंड डिवाइसेस, उसके बाद स्मार्ट सिटी एंड डिवाइसेस, उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड डिवाइसेस एंड द पावर ग्रिड एंड डिवाइसेस, तो ये सभी के सभी मैं एंड डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, ओके। लेकिन जैसे कि मैं फर्स्ट फर्स्ट डिवाइसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ राउटर, तो यहाँ पे सबसे पहले राउटर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे में देखता हो कि मुझे अगर स्विचेस लेना तो मैं सेकंड वाला टैब यूज़ करूँगा, उसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो जितने भी स्विचेस है सभी के सभी स्विचेस आ जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छा है कि ऑप्शन कि आपके पास L3 स्विचेस भी है। उसके बाद हाउस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, हाउस मार्केट से अभी कोई यूज़ करने को नहीं देखता है स्टिल, अगर आपको लगता है कि मुझे हब के बारे में जानना है तो यहाँ पे फीचर दिया हुआ है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस डिवाइसेस के बारे में दिया है, सिक्योरिटी डिवाइसेस दैट इज़ कॉल्ड फायरवॉल एंड सिक्योरिटी जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पज़, उसके बारे में। और लास्ट वाला दिया है वैन इमुलेशन, तो वैन इमुलेशन के तौर पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं DSL मॉडेम एंड केबल मॉडेम के। DSL मॉडेम जैसे कि हम लोग घर पे BSNL का या तो कोई कनेक्शन लेते हैं, जो हमारे पास मॉडेम आते हैं वो होता है DSL मॉडेम, ओके। और एक होता है PPP OE दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट, वो भी एक टाइप का मॉडेम होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंड डिवाइसेस के बारे में देख सकते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस, एंड डिवाइसेस, दोनों डिवाइसेस हो गए। थर्ड इज अ कॉम्पोनेंट, हम लोग यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स, मुझे हालांकि इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। मेरा मोस्टली फोकस रहता है राउटिंग एंड स्विचिंग एंड द सिक्योरिटी के ऊपर, सो मैं राउट, उसके बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं राउट स्विचेस एंड द सिक्योरिटी, इसके ऊपर काफ़ी फोकस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी नई नई चीज़ें दिख रही है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। ओवरऑल इसका लुक्स काफ़ी अच्छा है। सेकंड थिंग यहाँ पे अगर आप प्रीवियस वाले पैकेज जैसे में देखते तो इस साइड में टैब रहता था, सो अभी वो टैब रिमूव नहीं हुआ है, उन्होंने वो टैब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, आप चेक कर सकते हो ये टैब है वो, ठीक है। तो इस टैब में क्या क्या फीचर्स है वो चेक करते हैं। सबसे पहले सेम है, अगर मुझे कुछ टोपोलॉजी को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैं एक कर्सर का यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड वन इज़ द इंस्पेक्ट, ठीक है। थर्ड वन लाइक डिलीट, अगर मैंने कुछ गलत लिखा है या तो कुछ गलत किया है तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक मेक अ नोट, अगर मुझे कुछ नोट बनाना है, आईपी एड्रेस नोट डाउन करना है डिवाइसेस के ऊपर, तो मैं यहाँ से नोट भी बना सकता हूँ, ओके। यहाँ पे ड्रॉ लाइन, उसके बाद मैं रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ कर सकता हूँ, सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूँ, सो यहाँ पे है ऑप्शंस, तो हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये लास्ट दोनों ऑप्शन कैसे यूज़ होते हैं वो भी मैं बताऊँगा। अभी अगर मुझे यूज़ करना है तो इसका सिंपल यूज़ है, लाइक मैं फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ, अगर आप चेक कर सकते हो तो यहाँ पे है मेरे पास राउटर स्विचेस, सो वहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट कंसिडर करो मैं को मुझे लेना है 2811 राउटर, सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, जितने भी मुझे राउटर चाहिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, ओके। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए स्विचेस तो अभी मैं एक स्विच ले रहा हूँ,
तो जस्ट कंसिडर करता हूँ मुझे जो स्विच चाहिए 2960 में ये स्विच ले लेता हूँ। अभी मैं कंसिडर करता हूँ ये जो तीनों राउटर मुझे दिख रहे हैं मुझे स्विच के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्शन है। जैसे मैं कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे केबल्स दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केबल। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो केबल है वो है ऑटोमेटिक केबल, मतलब ऑटोमेटिकली वो अपने अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कर लेगा। लाइक जहाँ पे क्रॉस केबल का यूज़ होता है वहाँ पे क्रॉस केबल अटैच कर देगा, जहाँ पे स्ट्रेट केबल का यूज़ होता है जहाँ पे वहाँ पे स्ट्रेट केबल का यूज़ कर देगा। सेकंड वन इज़ अ कंसोल केबल। कंसोल केबल इज़ बेसिकली यूज फॉर द राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं, या तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ अबाउट द कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल, स्ट्रेट केबल भी बोल सकते हैं, और उसके बाद है क्रॉस केबल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे केबल्स हैं। यहाँ पे सीरियल केबल भी, अगर मैं सीरियल पोर्ट का यूज़ करता हूँ तो सीरियल केबल का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ऑक्टल केबल है, उसके बाद कस्टम केबल है, ये काफ़ी सारे यूएसबी केबल वगैरह तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अभी मैं राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं क्रॉस केबल का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, ये काफ़ी अच्छे तरीके से दिख भी रहा है यहाँ पे हमें। ओके, ये जो आप रेड कलर में दिख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रैंगुलर शेप में आ रहा है। इसके पहले रेड कलर में ही आता था बट वो सर्कुलर शेप में आता था। ठीक है, अभी मैं सेकंड वाले राउटर से थर्ड वाला राउटर भी कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इट्स वेरी इजी, आप चेक कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास पोर्ट नहीं है, ठीक है, तो अगर मुझे स्विच के साथ कम्युनिकेशन करना है सो इट्स नॉट पॉसिबल। स्विच के थ्रू तो हो जाएगा लेकिन राउटर पे कुछ पोर्ट है ही नहीं, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी मैं किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करूँ? तो सेम एज ओल्ड, अगर मैं ओल्ड वाले लैब्स करता था उसमें भी सेम फीचर था। राउटर के ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ मैं फिलहाल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसका जो पावर का बटन है इसको मैं सबसे पहले तो ऑफ कर दूंगा। यहाँ से मैं एक पोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, -4 ही वाला कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे नए 4 पोर्ट आ गए, करेक्ट, इथरनेट 1/0, 1/1, 1/10, 1/3। सेम एज यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। ओके, चलो हो गया कनेक्टिविटी। उसके बाद जैसे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करता हूँ सो डेफिनेटली ये पोर्ट ऑटोमेटिकली अप आ जाएंगे। सो मैं एक आपको एक बेसिक तौर पे यहाँ पे एक चीज़ और एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि प्रेफरेंस में मिलेगी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पोर्ट कौन सा कनेक्ट किया, शायद तो मैंने कनेक्ट किया और मैं भूल गया। सो मुझे चेक करना है कि वो पोर्ट कौन सा है। सो मैं किस तरीके से करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एडिट ऑप्शन में, ऑप्शन में जाके प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस में यहाँ पे आपको दिखेगा ऑलवेज शो पोर्ट। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद नीचे में ऑप्शन होगा अप्लाई का, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलो कोई नहीं, मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि F0/0 यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे F0/0 दोनों राउटर पे। तो एक बेसिक आईपी एड्रेस दे देता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि किस तरीके का है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये फ़ॉन्ट से मुझे बहुत छोटा लग रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि बढ़ाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से ऑप्शन में जाऊँगा, प्रेफरेंस, यहाँ पे 4th नंबर का टैब है फ़ॉन्ट का, यहाँ पे मैं CLI, यहाँ पे देख सकते हो CLI, इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ 14 तक, अप्लाई कर देता हूँ। तो चेक करते हैं अभी कुछ डिफरेंस आया, देखो डिफरेंस आ गया। तो एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1.255.0.0.0, क्लास ए का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके अपोजिट वाले राउटर पे भी कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो सभी राउटर के लिए अप्लाई हो गया। ठीक है, ये डीकॉम्प्रेसिंग इमेज, चलो हो रहा है। ओ, समथिंग मिसिंग, कुछ तो भी मिस हो गया। मैं एक बार राउटर को फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो इस वेरी, चलो ठीक है, देखता हूँ मैं यहाँ पे डीकॉम्प्रेसिंग इमेज हो रहा है। जैसे मैं दोनों साइड में कॉन्फ़िगर करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन कलर में टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो एक बेसिक पैकेट ट्रेसर टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है फॉर द सीसीएनएल लेवल प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप नीचे देख सकते हो रियल टाइम एंड द सिमुलेशन, तो मैं रियल टाइम पे कर रहा हूँ मोस्टली, सिमुलेशन पे नहीं कर रहा। सिमुलेशन बेसिकली क्या करता है, आपके पैकेट जो होता है लाइक थोड़ा सा ग्राफिकल, लाइक एक अच्छा लुक दिखाता है कि आपका पैकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो आप सिमुलेशन भी करके देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको एक दो लेटर बॉक्स दिख रहे हैं, तो इसका यूज़ कैसे होगा जस्ट कंसिडर करो।
कि मुझे फर्स्ट वाले राउटर से थर्ड वाले राउटर को कुछ पैकेट भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पैकेट को उठाऊँगा, यहाँ पे डालूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पे, अभी कुछ प्रोटोकॉल नहीं चलाया है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए वो फेल दिखा रहा है, बट पता चल जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू नो कि किस तरीके से वर्क करता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, इसके ऊपर हैंड्स ऑन करोगे, नए नए फीचर्स यूज़ करोगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पे नई नई चीज़ें पता चलेगी। सो बेसिकली आई रिकमेंडेड टू ऑल सिसिनी पीपल, यूज़ दिस सिमुलेटर, इज़ वेरी गुड सिमुलेटर्स और काफ़ी आसान है। आप किसी और को भी सिखा सकते हो इसके थ्रू। अगर आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आप उसको सेव भी कर सकते हो, इसको स्टोर भी कर सकते हो, यहाँ पे सेव भी कर सकते हो, ऑप्शन भी हमारे पास। काफ़ी अच्छा सिम्युलेटर है और नया है, लुक भी अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है। स्पेशली आप यहाँ पे एंड डिवाइसेस में बहुत सारी अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में क्या एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एंड डिवाइसेस क्या यूज़ हो रहे हैं, तो आप सभी यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी गुड एंड यूज़फुल। सो मैं चाहता हूँ आप सब लोग सीसीएनए लेवल पे ये डेफिनेटली ये वाला सिम्युलेटर यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी गुड सिम्युलेटर। सिस्को ने काफ़ी अच्छे अच्छे सिम्युलेटर्स निकाले, सो ये सिमुलेटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली यूज़ करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।